बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं एयाज रैना आज के एक छोटे से वीडियो सेशन में आपको बताने जा रहा हूँ कि हाउ टू रजिस्टर एन एम्प्लॉय ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट रजौरी ऑन आधार एनेबल्ड बायोमेट्रिक सिस्टम। यानी बायोमेट्रिक सिस्टम के ऊपर एक एम्प्लॉय एजुकेशन डिपार्टमेंट का, उसको हमें कैसे रजिस्टर करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें गूगल क्रोम ओपन करना है और यहाँ सर्च बार पे जाके हमें jkedrju.attendance.gov.in लिखना है और उसके बाद इंटर प्रेस करना है। जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे तो इस किस्म का आपको डैशबोर्ड ओपन होगा। लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं जेके अटेंडेंस डैशबोर्ड, एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन, एम्प्लॉय लॉगिन, फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन लॉगिन, हमें इनसे कुछ लेना देना नहीं। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा एजुकेशन डिपार्टमेंट रजौरी, रजिस्टर्ड एम्प्लॉय आज की डेट में इतने हैं, एक्टिव एम्प्लॉयज इतने हैं, आज की डेट में प्रेजेंट इतने हैं और इतनी डिवाइसेज जो हैं एक्टिव हैं, इनकी तरफ हमें कुछ नहीं लेना देना। तो हमें सिर्फ एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन पे जाना है। जब हम एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे तो हमें इस किस्म का फॉर्म ओपन होगा, एम्प्लॉय डिटेल, ऑर्गेनाइजेशन डिटेल। तो ये ऑर्गेनाइजेशन डिटेल है और इस तरफ हमारे पास एम्प्लॉय डिटेल है। तो सबसे पहले हम एम्प्लॉय डिटेल भरेंगे। तो मैं एक सिंपल सी एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। यहाँ पर हम एक एम्प्लॉय शिवम महाजन जो डाइट रजौरी के अंडर काम कर रहे हैं, इनकी जो इन्फॉर्मेशन है मैं भरता हूँ आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको जैसे किसी एम्प्लॉय को रजिस्टर्ड करना है तो आपको आसानी हो जाए। मैं जल्दी जल्दी इस एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन यहाँ फिल करता हूँ। डेट ऑफ बर्थ लिख दिया हमने, जैसे जेंडर है तो जेंडर मेल है। इसके बाद हमने इनका आधार नंबर जो है वो यहाँ लिखना है। आधार लिखने के बाद जैसे नेक्स्ट ईमेल फील्ड है तो हमें ईमेल यहाँ पर इनका लिखना है। ये यानी कंपलसरी फील्ड नहीं है, मैंडेटरी फील्ड नहीं है। जिन फील्ड के ऊपर स्टार का निशान है वो मैंडेटरी है और जिनके ऊपर स्टार का निशान नहीं है तो वो चाहे भरो चाहे ना भरो। तो अगर ईमेल आईडी है तो भर लीजिएगा, इसलिए कि जैसे आप अटेंडेंस करेंगे तो आपको उस दिन का मैसेज, जैसे आपकी अटेंडेंस, जिस दिन आप अटेंडेंस करने जा रहे हैं, जैसे आपने अटेंडेंस की है तो आपकी अटेंडेंस अगर सक्सेसफुल है तो आपको मैसेज आ जाएगा, इफ इट इज अनसक्सेसफुल तो भी मैसेज आपकी मेल पे आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इनकी ईमेल, जैसे शिवम स्टिल लॉनली @gmail.com इनका जो ईमेल आईडी है वो मैंने लिख दिया। अब मोबाइल नंबर है तो हम मोबाइल नंबर भी इनका लिखते थे, जैसे ये इनका मोबाइल नंबर है तो हमने लिख दिया। और नीचे है एम्प्लॉय कोड, तो ये भी हमारे पास जो ये फील्ड है कंपलसरी नहीं है, अगर एम्प्लॉय कोड किसी के पास है तो भर दीजिएगा, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है। इसके बाद जब ये फील्ड हमारे हो जाएंगे तो हमने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो नेक्स्ट आ गया हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन नेम या ऑर्गेनाइजेशन डिटेल। तो ऑर्गेनाइजेशन डिटेल में आप देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन नेम पहले से लिखा है एजुकेशन डिपार्टमेंट रजौरी, क्योंकि हमने रजौरी का ही यानी एम्प्लॉय को रजिस्टर्ड कर रहे हैं। अब यहाँ एम्प्लॉय टाइप लिखना है, तो जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इसी तरीके से यूनिट कौन सी है हमारी, डाइट रजौरी, तो जैसे हम डाइट रजौरी यहाँ ये पहले से ही इसमें है तो हमने सर्च करके लिखना है। इसी तरीके से डेजिग्नेशन, तो ये डेजिग्नेशन इनका हम देख लेते हैं, ये डेजिग्नेशन आ गया इनका। इसी तरीके से ऑफिस लोकेशन, तो ऑफिस लोकेशन नेचुरली डाइट रजौरी, तो हम ये देख लीजिएगा, जैसे आप डी आई लिखेंगे तो आपको डाइट पहले से ही आ जाएगा, डाइट रजौरी, इसको हमने कर दिया। उसके बाद हमने इनका फोटोग्राफ अपलोड करना है। तो एक चीज याद रखनी है कि जिस एम्प्लॉय का हम फोटोग्राफ अपलोड करने जा रहे हैं, एक तो उस एम्प्लॉय का फोटो जो है हमें डेस्कटॉप के ऊपर रखना है और उसी के नाम से सेव करना है, ताकि हमें अपलोड करने में कोई दुश्वारी ना हो। और दूसरी चीज जो है, फोटोग्राफ का जो साइज है वो 150 KB यानी KB में होना चाहिए। और इनकेस फोटो का साइज बड़ा भी है तो उसमें घबराने की बात नहीं है। अक्सर जब हम फोटो किसी का खींचते हैं तो उसको अपलोड करते हैं तो वो फाइल अपलोड नहीं होती, क्योंकि उसका साइज बड़ा होता है। तो इसके साइज को हम कम कर सकते हैं, इसमें भी आपको घबराने की बात नहीं है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक फोटो को हम 150 KB का कैसे बनाएंगे। इसके बाद ये हम इनका फोटो अपलोड करने जा रहे हैं। तो जैसे मैंने इनके नाम से इनका फोटो जो है हमने डेस्कटॉप के ऊपर रखा है, तो हम यहाँ पर सर्च करते हैं। जैसे अभी हम शिवम जी की डिटेल भर रहे थे,
तो यहाँ पर ये इनके नाम से मैंने ये फोटोग्राफ रखा है, तो इसी को ओपन करते हैं। तो ये फोटो जो है ये फाइल सिलेक्ट हो गई। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पर ये जो कोड है इस बॉक्स में कोड भरना है। जैसा ये कोड लिखा है कैपिटल समाल या कुछ डिजिट्स होंगे ऐसा ही हमें भरना है। जब ये हमने भर लिया उसके बाद हमने यहाँ पे आके टिक लगाना है चेक बॉक्स में और सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन है दैट इज कंप्लीटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पर जो है इनकी रजिस्ट्रेशन आईडी जो है ये आईडी 10251154 है, और इनके नाम से इनका मोबाइल, ये सारा जो है ये प्रोसेस हो गया।